शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 19। तो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मामा जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना जी अंगली, तो मैं उस अधिकारी का मार के मुक्के से मार के मुंह तोड़ देता। जी अंगली को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, डर के मारे कांप रही होती है, टोंग मना करती है मामा जी से। तो मामा जी कहते हैं कि माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, जिसके वजह से मामा जी वहां से चली जाती है। बताती है कि टोंग तुम्हें पता है क्या कि मैं उस फैंक को अच्छे तरीके से जानती हूँ, मजिस्ट्रेट फैंक को, जहां पे दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहां पे इसके पिता ने मजिस्ट्रेट फैंक को पकड़ा था क्योंकि वो अनाजों की चोरी कर रहे थे। मजिस्ट्रेट फैंक पहले बहुत बड़े भिखारी हुआ करते थे, जब उन्हें दया आ गई उनके पिता मिस्टर जू को, तो उन्होंने अपने साथ कार्यालय में कार्य पर रख लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट जू ने बहुत सारे लोगों को लूट लिया, जिसके वजह से पिता ने उन्हें देशद्रोह के जुर्म में मतलब सजा सुनाई थी, जिसके बाद से मजिस्ट्रेट जू आज इतना ज्यादा चालाक बन गया, एक मजिस्ट्रेट बन गया के रूप में आज कार्य कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक और घृणित व्यक्ति है। यहाँ पे टोंग कहती है कि आप अच्छी तरीके से जानती है कि वो इतना ज्यादा चालाक है, तो हम अकेले क्या कर पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ योजना तो करनी होगी। कहती है कि जब मजिस्ट्रेट जू के कार्यालय से निकल रही थी तो एक बूढ़ी महिला उसे टकराई थी, और टकराते वक्त उसने उसे एक कपड़ा दे दिया था जिसपे कुछ लिखा होता है। चियांगली जब निकालती है तो इसमें लिखा होता है कि पांचवें घर में आ जाना। तो यहाँ पे टोंग पूछती है कि वो महिला मतलब आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चियांगली बताती है कि वो गूंगी महिला के नाम से जानी जाती थी, हालांकि मजिस्ट्रेट जू को ये पता था कि वो गूंगी है इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। तो हम उसके पास जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ खबर तो मिलेगी, वो कुछ बताना चाहती है हमें। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चियांगली अपने कपड़े टोंग को पहना देती है, टोंग के कपड़े खुद पहन लेती है, जिसके बाद से मामा जी को कहती है कि तीसरे मामा आप टोंग को लेकर यहाँ से जाइए, मैं अकेले उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए जाऊंगी। मामा जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है ना कितना ज्यादा खतरा है। तो वो कहती है कि मामा जी आपको समझना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट फैंग है ना वो मेरे ऊपर नजर बनाए रखे है, तो वो चियांगली को ढूंढेगा मतलब टोंग को कुछ नहीं करेगा, तो मैंने टोंग के कपड़े पहने हैं तो अभी कोई बात नहीं है। तो मामा जी कहते हैं चलो ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद हम यहीं पर मिलेंगे, अगर 2 घंटे बाद तुम यहाँ पे नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। तो चियांगली कहती है हाँ हाँ ठीक है, आप टोंग को लेकर जाओ। अगली सीन में हम देखते हैं कि मामा जी कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कुछ लोग हैं जो कि इनका पीछा कर रहे हैं, मतलब इन पर नजर रखे हुए हैं। मामा जी कहते हैं हाँ, तो फिर चियांगली आओ हम लोग चलते हैं, और चियांगली को छाता से ढककर लेकर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लोग कितने मूर्ख हैं ना, और चियांगली को मतलब नकली चियांगली को ले जाकर गाड़ी में बैठा देते हैं और ये लोग उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। सभी लोग पीछे जाने लगते हैं तो इनका जो होशियार जो बंदा होता है ना वो कहता है कि एक लोग इनके पीछे जाओ गाड़ी के पीछे, बाकी लोग यहीं पर इंतजार करो। बाकी लोग यहीं पर रुक जाते हैं, एक लोग पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि चियांगली जैसे ही बाहर निकलती है टोंग के कपड़े पहन के, तो यहाँ पे जो सैनिक होता है वो कहता है कि सौभाग्य से मैं होशियार हूँ, और इसका पीछा करने लगते हैं, मतलब चियांगली का पीछा करने लगते हैं ये सभी लोग। चियांगली जान जाती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तो वो आगे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और दूसरी तरफ एक तरफ जाकर छिप जाती है, जिसके वजह से ये तीनों लोग आते हैं और अचानक से एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिसके वजह से इनका जो सैनिक होता है वो उठता है और कहता है जल्दी जाओ इधर उधर जाओ और उस लड़की का पीछा करो, और ये सभी लोग अलग अलग निकल जाते हैं। जिसके बाद से चियांगली जब बाहर निकलती है और यहाँ से उठ के सीढ़ियों से दूसरी तरफ जाने लगती है, जैसे ये दूसरी तरफ जाती है हम देखते हैं कि इसके हाथ में 3 हिस्ट पुष्ट मुस्टंडे आ जाते हैं, मतलब मोटे ताजे लोग, और ये तीनों लोग इसे छेड़ने लगते हैं, कहते हैं कि सुंदर महिला मुझे तुम बहुत पसंद आई, क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहोगी। ये चियांगली उसको थप्पड़ मारती है, तो कहता है अरे वाह तुम्हारा थप्पड़ तो कितना ज्यादा अच्छा है, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, थप्पड़ और मारो ना। तो ये तीनों को एक एक करके कई थप्पड़ मारती है, 4-5-6-7 थप्पड़ मारती है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते और इस महिला के पीछे मतलब चियांगली के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि वाह तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, आओ मजे करते हैं। लेकिन जैसे इसके करीब जाते हैं चियांगली अपने आप को सिकुड़ लेती है और मतलब ये डरने लगती है कि ओ मेरा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्यूक्सु का पंखा आके गिरता है, चियांगली दूसरी तरफ देखती है तो ड्यूक्सु कहते हैं कि मेरा पंखा वहाँ पे गिर गया है, सुंदर महिला क्या आप मेरा पंखा लेकर आएंगी। चियांगली मुस्कुराती है और उस पंखे को उठाती है, तभी यहाँ पे जो वांजी होता है वो कहता है कि महाराज क्या आप जाएंगे इन लोगों को सफाया करने के लिए या मैं जाऊँ। तो यहाँ पे ड्यूक्सु कहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा गंदे हैं, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता, तो तुम ही कर दो। वांजी दौड़ के जाता है और इन सबको पीटने लगता है, जिसके वजह से वो चियांगली से कहता है कि आप जाओ सीढ़ी पे ड्यूक्सु के पास, जिसके वजह से इन सभी लोगों को पीटता है, साथ ही इनका पैंट ही खोल देता है। ये लोग तो वहां पे से डर के मारे सरपट भाग पड़ते हैं, मतलब ये तीनों गुंडे जो होते हैं ना डर के मारे भाग जाते हैं वांजी की पिटाई के बाद। चियांगली ड्यूक्सु के पास जाती है उनका पंखा लेकर और उसे खोल के स्टाइल में खड़ी हो जाती है, तो ड्यूक्सु कहते हैं अच्छा तो आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए जबकि आपको पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ। तो ड्यूक्सु कहते हैं चियांगली कहती है वैसे आपका टेस्ट चेंज हो चुका है, मतलब आपका ड्रेस चेंज हो चुका है। ड्यूक्सु कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा चेंजिंग तो करना चाहिए। चियांगली कहती है तो आप यहाँ मेरे पीछे पीछे आए, यही तो मुझे आपसे पूछना है। ड्यूक्सु जब लूजी की तरफ देखते हैं तो लूजी कहता है कि वैसे लगता है कि संदेश स्वाहा को थोड़ा सा लेट हो गया, जो मैंने संदेश भिजवाया था, जिसकी वजह से चियांगली कहती है कौन सा संदेश। तो ड्यूक्सु कहते हैं खैर वो सब छोड़िए, वैसे ये बताइए आप यहाँ पे किस लिए आई हैं। वो कहती है कि मेरा कोई जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वैसे आप इन सबको कैसे सफाया करेंगे। तो चियांगली दूसरी तरफ देखती है जहाँ पे वो पीछे करने वाले यहाँ तक आ चुके होते हैं। ड्यूक्सु कहते हैं खैर इन सब चीज़ों को छोड़िए, हम लोग आपस में बाद में निपट लेंगे, आइए हमारे साथ चाय पीने चलते हैं, और उसे लेकर जाते हैं जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची कुछ फूल बेच रही होती है, कहती है कि प्यारी बहन क्या आप सुंदर सा फूल लेना पसंद करोगी। ड्यूक्सु रुक जाते हैं और जाके वहाँ से एक फूल लेते हैं उस लड़की से, और चियांगली के बालों में लगाने लगते हैं, कहते हैं कि बस हिलना मत क्योंकि वो चारों लोग आप पे नजर रखे हुए हैं, उन लोगों को ये सोचने दो कि चियांगली महिला अपना कपड़ा चेंज करके मतलब
ड्रेस व्रेस चेंज करके अपने प्रेमी से मिलने आई है। वो कहती है कि प्रेमी मतलब ये शब्द बहुत ही ज्यादा पुराना बुरा है। सो कहते हैं कि हाँ पुराना तो है, लेकिन सोचो जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है ना, तो ऐसे ऐसे मामलों का अपने हाथ में लेना तो पड़ता ही है। जिसकी वजह से जियांगली उनसे लवी डबी सा व्यवहार करने लगती है। ड्यूक्सो कहते हैं कि हिलना मत, वो लोग तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ करके उनसे पीछे से हक करते हैं और कहते हैं कि सोचो ना कितना ज्यादा प्यारा मौसम है ना, और लवी डबी बातें करते हैं। यहाँ पे जियांगली कहती है कि आपको पता है मुझे बहुत बेतुका लगता है ये प्रेम शब्द। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो कोई बात नहीं, प्रियजन तो अच्छा है ना, मैं तुम्हारा प्रियजन जो हूँ। यहाँ पे जियांगली उस फूल में से एक फूल निकालती है और ड्यूक्सो के सर पर लगाने लगती है। लेकिन जो फूल वाली बेचने वाली लड़की होती है ना, वो तो अजीब सा ही चेहरा सिकोड़ रही होती है। मतलब इन लोगों का लवी डबी व्यवहार देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो उन्हें फूल देती है और कहती है कि ये लो दीदी, आपके साथ ये फूल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जियांगली और ड्यूक्सो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और वो फूल लिए होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वांजी लूजी को, जो कि देखते हैं कि इनके ऊपर चार लोग नजर रखे हुए हैं। तो वांजी लूजी मतलब लूजी जो होता है वो कहता है हम इन लोगों को अभी भी पकड़ सकते हैं। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि वो चारों लोग घुटने के बल बैठाए होते हैं। यहाँ पे वांजी लूजी बताते हैं कि इन चारों ने कबूल कर लिया है कि इन्हें मिस्टर फेंग ने भेजा था आप लोगों पर नजर रखने के लिए, मतलब जियांगली पर नजर रखने के लिए। कहते हैं कि अपने मजिस्टर फेंग को जाकर बताओ जब ड्यूक्सो और दूसरी महिला जियांगली एक साथ में होना तो उन्हें पसंद नहीं है कोई उन पर नजर रखे। ये लोग कहते हैं हाँ हाँ जी मालिक, हम अभी जाके बताएंगे, और दौड़ते वहां से भाग जाते हैं। जियांगली कहती है कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो ड्यूक्सो कहते हैं मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो जियांगली कहती है जब दूसरी महिला और ड्यूक्सो एक साथ हो तो दोनों पर नजर रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मतलब क्या आप अपने नाम का उपयोग करके मेरा भी बचाव करना चाहते हैं। तो ड्यूक्सो मुस्कुराते हैं, जियांगली भी मुस्कुराती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वांजी लूजी भी ये देखकर मुस्कुराते हैं, वाह वाह इन दोनों का प्यार। आगे की सीन में ड्यूक्सो वांजी से कहते हैं कि दूसरी महिला जियांगली को लेकर जाओ, वो जहां जाना चाहती है वहां पे, और जिससे भी बात करना चाहे उनका काम वाम पूरा हो जाए तो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देना। जिस पर वांजी कहता है जी जैसी आपकी आज्ञा, और वहां से जियांगली को लेकर चला जाता है। जाने के बाद ड्यूक्सो अपने बालों से वो फूल निकालते हैं और फूल को देखकर मुस्कुराते हैं। आगे हम जियांगली को देखते हैं, बूढ़ी महिला से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि वांजी वहीं पे उनका इंतजार कर रहा होता है। जियांगली जाती है कमरे के पास तो बूढ़ी महिला अपना दरवाजा खोलती है और तुरंत जियांगली को अंदर कमरे में ले लेती है। बूढ़ी महिला कहती है कि तुम जू फेंग फाई हो ना, तुम ली हो ना, मेरी बेटी बच्ची तुम ली ही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ली हूँ। जिसके बाद से वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है मिस्टर फेंग जो है ना वो तुम्हें भी मार डालेंगे, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियांगली कहती है कि माँ, बूढ़ी महिला मतलब गूंगी माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं यहाँ पे अपने पिता के बारे में ही पता लगाने के लिए आई हूँ, उनके साथ क्या गलत हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, उन सभी मामलों की जांच करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बूढ़ी महिला बताती है कि देखो मिस्टर फेंग को लगा था कि मैं एक बूढ़ी महिला हूँ इसीलिए, और मैं गूंगी हूँ इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती जो न्याय मतलब अन्याय को साबित कर सकता है, न्याय में ला सकता है। जियांगली कहती है कि मैं उन सबसे जाकर मिलूंगी जो मजिस्ट्रेट फू से भी बड़े लोग हैं, मिस्टर फेंग से बड़े लोग हैं, उनसे जाकर मिलूंगी और उनसे जाकर कहूंगी, वो आके अन्याय करेंगे। तो यहाँ पे बूढ़ी महिला ने गूंगी महिला बताती है कि किससे मिलोगी तुम, जिससे भी जानती हो ना, वो सभी लोग अब यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, गुदा गुदा एंग पेंग जियो और हेजुन, उन सभी को मिस्टर फेंग ने पकड़ कर ले जाकर रेत के खदान में उन लोगों से काम करा रहे हैं, कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, तुम्हें मुझे चिंता होगी तुम्हारी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या करूंगी। जियांगली कहती है कि बूढ़ी महिला आप चिंता मत करो, क्योंकि अभी जो मेरी पहचान है वो लीजियो की नहीं है, बल्कि एक बड़े मंत्री की बेटी जियांगली की है, और वो मेरे ऊपर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता। वो कहती है बूढ़ी महिला, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम चाहे भले ही कितने भी बड़े घर की बेटी क्यों ना बन जाओ, लेकिन मिस्टर फेंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति है। जियांगली कहती है कि बूढ़ी महिला मुझे पता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए व्यवस्था कर लिया है, तो आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। बूढ़ी महिला कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो उन्हें तुम्हारी पहचान पे शक हो जाएगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता के साथ ही हूँ और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन उन्हें फांसी होगी ना, उस दिन ये देखो ये चाकू, इस चाकू से मैं उनका खून कर दूंगी, मतलब उन लोगों को मार डालूंगी, मैं उन लोगों से लड़ाई करूंगी मिस्टर जू के लिए। मैं भिखारी थी, मैं शहर में आई थी, मिस्टर जू ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं मर जाती, मेरे जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तो मेरे बारे में चिंता मत करो। जियांगली कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना, आप चिंता ना करिए, जब तक फांसी का समय आएगा तब तक कोई ना कोई सबूत मैं ढूंढ कर जरूर लाऊंगी, मैं अपने पिता को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। आगे हमें जिला कार्यालय का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं मिस्टर फेंग पूरा दिन में चिकन सूप बना रहे होते हैं, इन लोगों का हाथ कांप रहा होता है, वह कहते हैं कि लो लो गरम गरम टेस्ट करो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें पता है मैंने पूरे दिन इसे पकाया है, इसका टेस्ट तो बेहतरीन है। जिसके बाद से एक सेवक के हाथ में वो सूप देते हैं, मतलब ये पांचों लोग वही होते हैं जो कि पीछा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि गरम गरम पियो ना, वो नहीं पीता है, तो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देते हैं, जिसके वजह से उसका
मुंह भी पकड़ लेते हैं ताकि वो उगल भी ना पाए। मुंह में पकड़ने पे गरम गरम वो पिया होता है ना, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही ये चारों लोग जो होते हैं वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कहते हैं कि कृपया हम पे दया दिखाइए, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। कहते हैं कि पूरा दिन लगाकर मैंने इस सूप को बनाया और तुम लोग यहाँ पे अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर आ गए। मुझे बताओ मिस जियांगली किससे मिलने के लिए गई थी? तो वो लोग बताते हैं वो ड्यूक्सू से मिलने गई थी। तो कहते हैं ड्यूक्सू ड्यूक्सू यहाँ पे क्यों आया हूँ, जियांग में ड्यूक्सू क्यों आए हैं? तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ड्यूक्सू जियांगली की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं और परवाह करते थे और शायद वो उससे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि वो उन्होंने उसे घर भी भेजा, मतलब वो हमेशा उसका पीछा कर रहे हैं, उसका साथ रह रहे हैं। इसका मतलब जियांगली से वो प्यार करते हैं या परवाह करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है आगे से पकड़े मत जाना, अगर ऐसा किया ना तो सूप नहीं मिलेगा बल्कि तुम चारों को जहर दे दूंगा एक साथ। जिसके बाद से वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तो वो इशारा करता है मिस्टर फैंग, तो वो जाके उस बेहोश आदमी को उठा के लेके भाग जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद मजिस्ट्रेट फैंग जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, अंदर कमरे में जाते हैं और बहुत सारे कबूतर रखे होते हैं और एक कबूतर उठाते हैं, उसके पैरों में चिट्ठी बांधकर वहां से उड़ा देते हैं। दूसरी सीन में मामा जी को देखते हैं जो कि टोंग के साथ इंतजार कर रहे होते हैं जियांगली का बड़े देर से। जियांगली आती है तो ये लोग कहते हैं कि कितनी ज्यादा देर हो गई। तो वो कहती है कि दरअसल फैन युतांग के कुछ लोग मेरे पीछे लग गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि ड्यूक्सू के कुछ आदमी आ गए। तो यहाँ पे मामा जी पूछते हैं ड्यूक्सू वो क्या है, और यहाँ पे टोंग पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं आपसे मिलने के लिए। जियांगली कहती है चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मेन बात यह है कि मैंने पता लगाया है कि कुछ लोग जो मेरे पिता के सच्चाई के बारे में जानते हैं वो लोग मिस्टर फैंग के अंडर में हैं और वो रेत खदान के अंदर में काम कर रहे हैं। तो मामा जी कहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जियांगली कहती है हमें कुछ लोगों को लेकर आना होगा, हमें रेत खदान के अंदर से उन लोगों को बाहर निकालना होगा। तो मामा जी कहते हैं लेकिन फैन युतांग मतलब मिस्टर फैंग का तो हम लोगों पे सब पे नजर है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हालांकि लियांग में हमारे बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उन्हें यहाँ कैसे बुला सकते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि कुछ और आइडिया सोचना होगा। जियांगली कहती है मेरे पास एक तरीका है। आगे हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि लूजी और वांजी के साथ देख रहे होते हैं और लोग बता रहे होते हैं कि ये वही मिट्टी का खदान है, इसके अंदर में साइड में एक नदी है और अंदर में जाने का रास्ता है। लेकिन आपको पता है अगर हमें सीधे अंदर से जाना है ना, मतलब किसी भी रास्ते से जाएंगे हम लोग पकड़े जाएंगे, पकड़े ना जाने के लिए हमारे पास एक पास होना चाहिए, अगर पास के अलावा कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि यह मजिस्ट्रेट फू के हाथों में मतलब फेंग के हाथों में है, तो हम लोग इसमें प्रवेश करने में असमर्थ है। जिसके वजह से ड्यूक्सू कहते हैं कोई तो रास्ता होगा। तो वांजी लूजी बताते हैं कि हम लोगों ने जितना पता लगाया है इसके हिसाब से तो यही पता लगा है, लेकिन आगे अगर कोई जानकारी है तो हमारे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे जियांगली आती है और जियांगली आते ही मिस्टर फैंग मतलब मिस्टर ड्यूक्सू से मिलती है। ड्यूक्सू से कहते हैं कि मुझे आपसे कोई मदद चाहिए। ड्यूक्सू बताते हैं कि हाँ बताइए अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो जियांगली कहती है मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके साथ आपके पास से कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिन्हें मैं लेकर रेत के खदान में जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं रेत के खदान में जाना यह क्या आवश्यकता है? तो वो कहती है कि बस मुझे जाना है, मुझे आपसे कुछ लोगों को उधार लेना है। ड्यूक्सू कहते हैं देखो हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ना रोब मत दिखाया करो। तो वो कहती है कि माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो। तो वो बताते हैं कि ये रेत का खदान जहाँ पे आप जाना चाहती हैं वो एक सोने का भी खदान है। वो कहती है क्या सोने का खदान? जिसके बाद से ड्यूक्सू बताते हैं कि हाँ लेकिन हमारे पास वो नक्शा नहीं है, हमें बस वो नक्शा चाहिए। जिसके बाद से जियांगली को याद आता है, कहती है कि कुछ देर रुकिए मैं अभी आती हूँ, और दौड़ते हुए जाती है उस नक्शे को लेकर आती है जो कि उस लड़की ने मतलब क्यों ने इन्हें दिया होता है। वो नक्शा लाकर देती है तो मिस्टर ड्यूक्सू पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये नक्शा कैसे उपलब्ध है? जियांगली कहती है कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती लेकिन हाँ मैं अपने जीवन की गारंटी दे सकती हूँ कि ये नक्शा जो है वो 100% रियल है। ड्यूक्सू कहते हैं कि मैंने ऐसी बातें बहुत बार सुनी है तो सच्चाई। जियांगली कहती है कि जियो हैंग तुम्हें ये नक्शा लेना है तो लो, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जिसके वजह से ड्यूक्सू तो डर जाते हैं, बाकी जो वांजी रुजू होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। जिसके वजह से ड्यूक्सू वो नक्शा ले लेते हैं और कहते हैं कि अब बताओ करना क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है? जियांगली बताती है कि हमें इस रेत के खदान में जाना है और यहाँ से कुछ लोगों को बचा के लाना है जो कि मिस्टर फैंग के अनुयायी हैं, मतलब उनके अंडर में कार्य करते हैं। ड्यूक्सू कहते हैं ये तो ऐसा है जैसे किसी के जान को बचाना अपनी जान देकर। तो यहाँ पे जियांगली कहती है हाँ आपको मेरा काम करना होगा। तो ड्यूक्सू कहते हैं कि मैं आपका काम क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा ये घाटे का सौदा। जियांगली कहती है कि ड्यूक्सू मुझे अच्छे से पता है कि आपने हमेशा से मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। तो ड्यूक्सू अपने वांजी लूजी को बाहर भेज देते हैं, बताना शुरू करती है और कहती है कि आप हमेशा से मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। ड्यूक्सू कहता है कि आपका ऐसा कैसे कहना है? जियांगली बताती है कि हालांकि जब मैं जेनब हॉल से बाहर आना चाहती थी तब मैंने आपका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने मेरा कई बार इस्तेमाल किया। जैसे कि आप अच्छे से जानते थे कि ली लियांग जब ये सीजी को अपने अंडर में कार्य करने के लिए मना लेगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके कामों पे मतलब किसी और पे काबू नहीं कर पाएगा। जिसके बाद से आपने मुझे भड़काया और मैंने ये सीजी को अपने अंडर में ले लिया, और हम आपने मेरी परीक्षा में जीतने में भी मदद की, मेरे हाथ में चोट लगी थी तो आपने उसे ठीक कराया इसीलिए ताकि मैं आपका एक अच्छा सा मोहरा बन सकूं। फिर मैंने आपके मोहरे ने कार्य किया और आगे चल के जब मैं लियांग सिटी में आई मैंने ये परिवार को बचाना चाहा या ये परिवार को बचाया, उस वक्त भी आपने मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। मैं ली परिवार से हमेशा से लड़ती रही जबकि ली परिवार आपका दुश्मन है और आप हमेशा से मुझे भड़काते रहे हैं ली परिवार को लेकर मैं हमेशा लड़ाइयां करती हूं, आप हमेशा मुझे भड़काते रहे हैं और मैं ली परिवार को हमेशा नीचे दिखाती रही हूं।
हूँ, इसलिए मैं आपका एक मोहरा हूँ, एक मोहरा मात्र हूँ, आप मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ड्यूक्सू कहते हैं कि मुझे ली परिवार से क्यों लड़ना चाहिए, ली परिवार से भला क्या दुश्मनी है। तो वो कहते हैं कि आप खुद याद करो, मैं ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन आपकी नजरों से जहां तक मैंने देखा है, किंगचिंग पर्वत पे जब आप नमक तस्करी के लिए आए थे, यहाँ ए परिवार के ऊपर लगे हुए इल्जाम और सारी बातें बताने के बाद ये कहती है कि उत्तर से पश्चिम दिशा की और हर तरफ आप भाग रहे हैं, क्यों? सिर्फ मिस्टर ली झंगनांग के लिए, मतलब मिस्टर ली आपको पूरा यकीन है कि मिस्टर ली ये सारी गड़बड़ी कर रहे हैं, वो वित्तीय मंत्री के रूप में बहुत सारे पैसे का हड़प कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके परिवार को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते हैं। ड्यूक्सू कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वो कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूं, मैं जानती हूं, और इसमें आप महामहिम के कार्य के लिए ही कर रहे हैं, महामहिम ने ही आपको ये आदेश दिया है ली परिवार को समाप्त करने का। आप सभी को पता है कि ली परिवार बहुत ही ज्यादा बुरा और घृणित है, लेकिन आप उन लोगों का सामने से कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वहां से नमक के खदान से लेकर यहाँ रेतीले खदान और सोने के खदान हर जगह पे आप लोग बस उसके परिवार को खत्म करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्यूक्सू कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस मोहरे को हटाता हूं, मैं शतरंज के ऐसे मोहरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ली क्या तुम जीवित नहीं रहना चाहती? जियांगली कहती है कि मैं जीवित रहना चाहती हूं लेकिन नहीं रह सकती। जियांगली यहां पे रो रही होती है, कहती है कि आप अब रुक नहीं सकते, आपने अब तक मेरा इस्तेमाल किया है मोहरे के रूप में, तो आप आगे भी करिए, मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूं। ड्यूक्सू कहते हैं क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूं, आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूक्सू कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, मैं ऐसे शतरंज के मोहरे को नहीं रखूंगा। जियांगली कहती है कि क्या हुआ ड्यूक्सू, क्या आप डरते हैं? क्या आप देश के भाग्य के लिए मेरा इस्तेमाल करने से डर रहे हैं? देश के भाग्य को सुधारना नहीं चाहते, देश से ऐसे ली लियांग यानी मिस्टर ली झंगनांग जैसे व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना चाहते? ड्यूक्सू कहते हैं कि देखो जियांगली, जो रेत का खदान है वहां से लोगों को बाहर निकालने से सोने के खदान तक जाना ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। जियांगली कहती है मुझे जाना होगा। ड्यूक्सू कहते हैं कि अच्छा आप वहां पे जाएंगे तो मिस्टर फेंग के जासूसों से कैसे छुटकारा पाएंगे, पहले उससे छुटकारा तो पा लो। ड्यूक्सू ये सारी बातें कहने के बाद जियांगली के हाथों में चाय देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ड्यूक्सू के जाने के बाद जियांगली यहाँ पे आराम से अपना चाय वाय पीती है, जिसके बाद से हम देखते हैं मजिस्ट्रेट फेंग को। मजिस्ट्रेट फेंग मजिस्ट्रेट जू को बैठाए होते हैं कुर्सी पे और कहते हैं कि क्या इत्तेफाक की बात है ना, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे पता है दूसरी महिला जियांगली आई, ड्यूक्सू आए, और वो तब हुआ जब आपको फांसी दिया जाने का मंजूरी हो गया, मतलब आपको फांसी दिया जाने वाला है। आखिर क्यों आए वो लोग? क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपके लिए यहाँ पे आए हैं, आपके लिए न्याय करने के लिए आए हैं? उनके सर पे एक कबूतर रख देते हैं, उसके बाद से कहते हैं कि सोचो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मिस्टर जू कहते हैं ली अली, वो कहते हैं कि हाँ ली आपकी बेटी, जिसके बाद से वो क्या करते हैं उनका एक नाखून उखाड़ देते हैं मिस्टर जू। फेंग जो होते हैं यहाँ पे मिस्टर जू को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। आगे के सीन में हम जियांगली को देखते हैं जो तीसरे मामा के साथ कहीं अनाज के दुकान पे गई होती है। यही एक आदमी आके बताता है कि मिस्टर फेंग आपको पता है जो जियांगली है वो तीसरे मामा के साथ अनाजों की दुकानों पे जा रही है। तो वो कहती है अनाजों की दुकान पे ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि हाँ, और ड्यूक्सू भी जाकर कुछ किसानों से मिल रहे हैं, मतलब कुछ अनाजों का वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो मिस्टर फेंग कहते हैं कि वहां पे कितने लोग हैं अनाजों की दुकानों पे काम करने के लिए? वो बताता है चार। तो वो उस आदमी को मारने लगते, कहते हैं चलो मेरे साथ अनाजों की दुकानों पे, हम चल के सब कुछ खुद ब खुद देखेंगे कि आखिर ये ड्यूक्सू और जियांगली चाहते क्या है, किस काम के लिए आए हैं। मिस्टर फेंग जो अनाजों की दुकानों पे जाते हैं और वहां पे अपने लोगों से कहते हैं कि जाके अंदर में जांच करो, जियांगली को ढूंढ कर लाओ। जो सभी लोग जाते हैं और यहाँ पे मैंग्यू मामा और मिस्टर सन को पकड़ के लाते हैं, जहाँ पे ये लोग मिस्टर फेंग पूछते हैं कि जियांगली कहाँ गई। वो कहते हैं मुझे कहाँ पता। वो कहते हैं कि अच्छा क्या तुम लोग मेरे साथ ध्यान भटकाने वाला गेम खेल रहे हो? जिसके बाद से मिस्टर फेंग जो होते हैं वो कहते हैं कि इसे कैद के रखना, मतलब कैद करके रखना भी छोड़ना नहीं। वैसे ही जैसे मिस्टर फेंग वहां से पीछे मुड़ते हैं दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो जो मामा होते हैं और मिस्टर सन होते हैं ये दोनों लोग वहां पे सभी सैनिकों को मारकर ढेर कर देते हैं। ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि जियांगली से पूछते हैं कि आपको इतनी अच्छी योजना कैसे सूझी। तो वो याद करती है कि जब मिस्टर फेंग को पकड़े थे उसके पिताजी अनाज की चोरी करते हुए, वो कहते हैं कि बस एक भाग्यशाली योजना थी, इतना समझ लो। ड्यूक्सू कहते हैं कि हाँ मैंने भी अच्छा ही सोचा था, आपके पास कोई ना कोई योजना तो होगी ही होगी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग मिट्टी के खदान की तरफ, अब ये तीनों लोग मिलकर रेत के खदान के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पे ड्यूक्सू जियांगली से कहते हैं कि लो हम लोग खदान के पास पहुंच गए हैं। जियांगली कहती है कि अब हमें रेत के खदान के तरफ जाना है, जहां पे ड्यूक्सू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को आप ढूंढ रही है ना वो रेत के खदान में नहीं है, वो तो बस एक बाहरी आवरण है दिखावे के लिए, वो सभी लोग सोने के खदान में ही होने चाहिए। जहाँ पे जियांगली कहती है अच्छा तो पश्चिम के तरफ एक, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक डोर है, मतलब वहां से जाने का रास्ता है, जहाँ से ड्यूक्सू वांजी और जो मिस जियांगली होती हैं तीनों लोग उसी डोर की तरफ चले जाते हैं। तीनों लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो ड्यूक्सू कहते हैं कि आपको भरोसा है ये वही दरवाजा है? वो कहते हैं कि हाँ, मुझे आगे देखने दो, क्योंकि ये जगह परिवहन के लिए सही नहीं था इसलिए इसे रोक दिया गया। जियांगली जैसे ही आगे बढ़ती है ड्यूक्सू और वांजी दोनों लोग रोक देते हैं, कहते हैं कि वांजी पहले तुम आगे चलो। वांजी यहाँ पे तीनों लोग अपने अपने एक मसाल जला लेते हैं, वांजी आगे जाता है, ड्यूक्सू पीछे
पीछे होती है, जियांगली बीच में होती है। आगे जाकर इन लोगों को दो रास्ते मिलते हैं, जहाँ पे जियांगली कहती है कि ऐसा चित्र तो मानचित्र में बिल्कुल भी नहीं था। तो ड्यूक्सू कहता है कि हमें अलग 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 रास्तों में बढ़ जाना चाहिए। जियांगली मेरे साथ जाएगी और वांजी तुम दूसरी तरफ जाओगे, जिसके वजह से जियांगली कहती है मुझे लगता है यही सही रास्ता है। तो वो ड्यूक्सू के साथ चली जाती है और वांजी दूसरे रास्ते में निकल जाता है। अंदर जाते हुए ड्यूक्सू आगे आगे रहते हैं, जियांगली थोड़ा पीछे ही रहती है और पूछती है कि क्या रास्ता सही है। तो ड्यूक्सू कहते हैं कि हाँ आ जाओ। जियांगली पीछे पीछे जाती है, लेकिन जियांगली को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है ये चीजें याद करके कि उसे एक बार मिट्टी में दबा दिया गया था और ये खदान सी जगह, इसीलिए उसे डर लग रहा होता है। जब वो जियांगली डरने लगती है तो वहीं पर रुक जाती है और सांसें जोर जोर से लेने लगती है, जिसके वजह से ड्यूक्सू आते हैं जियांगली के पास, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, जिसके वजह से ये दोनों लोग हाथ पकड़ के जाते हैं। जियांगली के प्रति ड्यूक्सू का जो व्यवहार होता है इससे जियांगली खुश हो जाती है। ड्यूक्सू हाथ पकड़े आगे आएगा, जियांगली हाथ पकड़े पीछे पीछे, ये दोनों लोग जा रहे होते हैं और रोमांटिक से सॉन्ग बज रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे चल के कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये लोग अपनी मोमबत्ती जो लिए होते हैं मसाल उसे बुझा देते हैं। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार डरने की क्या बात है, डरो मत, वो लोग तो भी काम कर रहे होंगे। ड्यूक्सू कहते हैं आप इन दोनों को देख रही हो ना, इन दोनों को मार के ढेर करना है। जियांगली कहती है लेकिन आपको ये काम करना होगा ना। तो ड्यूक्सू कहते हैं आप ही तो यहाँ आने के लिए जल्दी जल्दी कर रही थी, तो चलो स्टार्ट करो। तो जियांगली क्या करती है, डंडा उठाती है, उन लोगों को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन हाथ ऊपर करती है तो ये दोनों लोग इन्हें देख लेते हैं। ये दोनों लोग इसका हंसते हुए मजाक उड़ाने लगते हैं कि वाह सुंदर महिला, क्या तुम यहाँ डांस करने के लिए आई हो, नृत्य कर रही हो क्या, नाचो नाचो हमारे साथ, पियो चलो खाओ, हम तुम्हें सामने का रास्ता दिखा देंगे। जिसके वजह से जियांगली दोनों के सर पर डंडा मारती है और पीछे से ड्यूक्सू अपना पत्थर मारते हैं दोनों को। दोनों वहीं पर मारने के बाद बेहोश हो जाते हैं। जियांगली कहती है देखो देखो दोनों को मैंने मार के ढेर कर दिया। ड्यूक्सू कहते हैं बहुत अच्छा। सामने आते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ चलो ठीक है अब काम स्टार्ट करो। जियांगली उन लोगों का कपड़े उतारने जाती है तो उसे बहुत ज्यादा बदबू आती, कहती है तो ड्यूक्सू उसे खींच के साइड कर देते हैं। जियांगली कहती है अरे रुको श्रमिक कार्य मैं कर सकती हूँ। तो ड्यूक्सू कहते हैं चुप करो यहाँ पे खड़ी हो जाओ, जिसके वजह से ड्यूक्सू उन लोगों का कपड़ा उठा के जियांगली को देते हैं। तो जियांगली को उल्टी आने लगती है, ड्यूक्सू वहीं पे अपने कपड़े उतारने लगते हैं, कहते हैं तुम भी अपने कपड़े बदल लो। ड्यूक्सू जब कपड़े उतार रहे होते तो जियांगली उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी, लाइट भी नहीं बुझा रही होती है। ड्यूक्सू के शरीर पर बहुत सारे मतलब चोट के निशान होते हैं और जियांगली खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है। जब उनका कपड़ा जियांगली के ऊपर आता है तो जियांगली मुस्कुराती है। ली झोंगनान को देखते हैं जो कि ली जिंग के साथ बैठ के शतरंज के मोहरे खेल रहे होते हैं। सच बताओ शतरंज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब हाँ चाल चल रहे होते हैं अपना अपना। जिसके बाद से यहीं पर इनका एक सैनिक आता है, उन्हें वो पत्र देता है। पत्र पढ़ते हैं जब ली जिंग, तो ली झोंगनान पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताते हैं ली जिंग की दरअसल बात ये है कि ड्यूक्सू और जियांगली दोनों वाजियांग में हैं और उन्होंने सोने की खदान का खोज कर लिया है। जिसके बाद ली झोंगनान कहते हैं तो अब आप कौन सी चाल चलने वाले हैं, तो ली जिंग कहते हैं कि बस देखो मैं क्या करता हूं। आगे ड्यूक्सू और जियांगली को देखते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि सोने के खदान में कैसे कार्य कराया जा रहा है लोगों से। यहाँ पे जियांगली कहती है कि ये सोने की खदान बहुत साल पहले वाजियांग में जब पाई गई थी तो इंपीरियल कोर्ट ने ये कह के बंद करवा दिया था कि सोने के खदान को खोदने से यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो जब ये खदान बंद की जा चुकी है तो यहाँ पे मामूली से लोग तो इस खदान को नहीं चला सकते ना, जैसे मजिस्ट्रेट फैंग है तो उनके अंडर में ये कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कुछ बहुत सारे बड़े लोग हैं इसके पीछे जो कि कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ली झोंगनान, यूरोन और यहाँ तक कि प्रिंसेस वानिंग। इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग मिले हुए हैं, तो तुम ये सबके बारे में अच्छे से जानते हो है ना ड्यूक्सू। तो ड्यूक्सू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब आप समझ पाई हैं आप किस मुसीबत से लड़ने जा रही हैं। ये सब जानने के बावजूद क्या अब भी आप इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहती हैं? इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।